मुझे पता है आप काफी बिजी हो आपके लाइफ के अंदर, लेकिन ये वीडियो मिस जरूर मत करना क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक अल्टीमेट पीसी बताने वाला हूं। शायद ये पीसी आपके लिए यूज हो सकता है। 3.5 लाख बजट के अंदर बनने वाला ये फुल सेटअप हर एक गेमर का, एडिटर का ड्रीम रहता है। चलो शुरुआत करते हैं ये पीसी की, अल्टीमेट पीसी की। देखने में तो आपने देखा है काफी अल्टीमेट है, लेकिन इसके अंदर कंपोनेंट्स भी हमने काफी हाई एंड वाले यूज किए हैं। ये प्योरली A+ एंड सुपर बिल्ड बोल सकते हैं, क्योंकि इसको सुपर कंप्यूटर्स एंड SCL गेमिंग ने बिल्ड किया है। क्योंकि इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड हमने यूज किया ना, AMD की तरफ से आने वाला 7900 XTX। XTX के अंदर भी काफी वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन ये मॉडल स्पेशली टाइची वर्जन का है और कस्टमर को ये एस्थेटिक्स के हिसाब से टोटली व्हाइट थीम के अंदर पीसी बिल्ड करना था। 7900 XTX अगेन 24GB VRAM के साथ में आता है। ये जो ग्राफिक कार्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है ना भाई, काफी अल्टीमेट है। ये ओवरक्लॉक्ड एडिशन है और इसकी जो ब्लैक प्लेट जो आती है ना, काफी हाई बिल्ड क्वालिटी के साथ में आती है। आप खुद देख सकते हो ग्राफिक कार्ड का एक प्रीमियम जो है ना, 1 लाख के रेंज के अंदर बनने वाला, मतलब 1 लाख के अंदर मिलने वाला ये ग्राफिक कार्ड काफी हाई फीचर्स बना के AMD वाला ने बनाया है। पहले एक जमाना था कि यार खाली NVIDIA के ही व्हाइट कलर के ग्राफिक कार्ड आते थे, आजकल AMD के भी हर मॉडल व्हाइट कलर के अंदर उन्होंने लॉन्च किया है, क्योंकि AMD को भी पता चल गया है यार एस्थेटिक्स के हिसाब से व्हाइट ब्लैक दोनों तरह के पीसीज बनते हैं। 7900 XTX आर्डिन ने 3.0 FSR 3.0 की वजह से कस्टमर को हाई FPS गेमिंग के अंदर आएगा ही आएगा। उसके अलावा कस्टमर हैवी रेंडरिंग एंड एडिटिंग करेगा, और आजकल जो कंपिटेटर के प्राइजेस ट्वाइस हो गए हैं, उसकी वजह से उन्होंने 7900 XTX को एक बेस्ट चॉइस समझ के लिया है, जो 24GB VRAM के साथ में आता है। कस्टमर के जो एप्लीकेशन थे वो हाई VRAM वाले थे, इसलिए उन्होंने 7900 XTX यूज किया है। इसके अलावा जो प्रोसेसर मैंने यूज किया है, क्या AMD की तरफ से आने वाला 7950X3D प्रोसेसर। X3D प्रोसेसर के अंदर 140MB के ऊपर कैश मेमोरी आती है, और इसके अलावा 6 कोर 12 थ्रेड्स रहते हैं, जो आपके एडिटिंग के लिए आपको काफी हेल्प करते हैं। कस्टमर एक पार्ट टाइम गेमर है और पार्ट टाइम एडिटर है, मतलब थोड़ी देर वो गेमिंग करेगा, थोड़ी देर एडिटिंग करेगा, उसके अलावा जब वो बाहर रहेगा या उसके कुछ बोर हो जाएगा तो उसके लिए भी उसने जुगाड़ किया इस पीसी के साथ में। फैमिली वाले भी यूज कर सके, वैसा ही उन्होंने पीसी बनाया। स्टोरेज उन्होंने 2 तरह की स्टोरेज ली है, 2 TB की मेन Gen 4 SSD, सेकेंडरी स्टोरेज भी 2 TB की Gen 4 SSD ली है। XPC की तरफ से आने वाली 7400 MBPS वाली ये Gen 4 SSD है, काफी अच्छी क्वालिटी है, 1400 TBWP आती है और 5 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ में आता है। SSD के अंदर ये एक प्राइस टू परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, आजकल SSD के प्राइसेस काफी हाई हो गए, फिर भी ये XPG को अगर देखते हो अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आपको मिल रही है। रैम बीस्ट रैम बोल सकते हैं, ASUS की तरफ से आने वाली ROG सर्टिफाइड 6200 MHz CL36 के साथ में काफी एक यूनिक लुक और वाइट थीम के अंदर बैठने वाली ये रैम यूज की है, जो आप सिंक भी कर सकते हो अपने पीसी थीम के हिसाब से। मदरबोर्ड को देखते हुए X670 लेना ही बनता है। X670 के अंदर भी हमने लिया है स्टील लेजेंड, जो हाई बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। इसकी जो पीसीबी की क्वालिटी है, मिलिट्री ग्रेड पीसीबी क्वालिटी है, वो भी 8-layer पीसीबी है। पीसीबी क्या होता है कि आप जल्दी, मतलब जितने साल ज्यादा यूज करोगे तो उसके अंदर थोड़ा सा यार कमी आ जाती है, मतलब हमारी देसी भाषा में बोलूं तो पीसीबी की क्वालिटी लो होते रहती है, लेकिन इसके अंदर हाई ग्रेड की और 8-layer की पीसीबी देने के साथ में आपका पीसीबी लॉस होने का भी चांसेस काफी कम रहते हैं, मतलब थोड़ा धीरे धीरे ये पीसीबी खराब होती है। खराब तो हर चीज होती है, लेकिन लाइफ इसकी थोड़ी ज्यादा आती है। उसके अलावा टाइप सी पोर्ट वगैरह सब कुछ है, 192GB रैम सपोर्ट करता है। अगेन इसके अंदर आपका Wi-Fi 6 वगैरह सब कुछ है, Ryzen 7 Ryzen 9 जैसे प्रोसेसर को
फुल्ली लोडेड परफॉर्मेंस के अंदर ये मदरबोर्ड आपको परफॉर्मेंस दे देता है। अभी आते हैं हम इस पीसी के लिए पावर सप्लाई। 1250 वॉट्स का पावर सप्लाई हमने दिया है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला। AMD ग्राफिक कार्ड के अंदर PCIe जनरेशन 5.0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, इसीलिए उनका प्राइस कट भी थोड़ा हो जाता है और 10 इयर्स वारंटी के साथ में आता है। रेगुलर हमने पावर सप्लाई दिया है और इसके लिए हाई पावर वोल्टेज भी चाहिए होता है, क्योंकि 7900 XTX 24GB VRAM वाला ले रहे हैं और उसके अलावा कस्टमर 24/7 PC रेंडरिंग, गेमिंग, ऑफिस, होम सब कुछ करेगा। मैं क्या बताऊं, ये जो कूलर है ना, एक अल्टीमेट कूलर है। इसके अंदर आपको जैसा चाहिए आप उसके अंदर डिस्प्ले कस्टमाइजेशन कर सकते हो, रेंडरिंग के लिए कितना टेम्परेचर आपका प्रोसेसर मतलब ये जनरेट कर रहा है या ग्राफिक कार्ड का कितना टेम्परेचर आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पीसी में, क्या हो रहा है। इसके अलावा आपको थ्रिल के लिए स्क्रीन के अंदर इमेजेस, वीडियो जो चाहिए आप लगा सकते हो। राइजुन व्हाइट कलर का अल्टीमेट कूलर है जो एसुस की तरफ से आता है। एसुस एक ऐसा ब्रांड है जो कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। फाइनली इस पीसी के अंदर हमने यूज किया सैमसंग की तरफ से आने वाला 28 इंच स्मार्ट मॉनिटर। स्मार्ट मॉनिटर 4K 165 हर्ट्ज के साथ में हाई रिजोल्यूशन अल्टीमेट गेमिंग रहेगा। उसके अलावा ये मॉनिटर स्मार्ट भी है ताकि अपने फैमिली वाले पीसी के अंदर अपने स्मार्ट फीचर्स लाइक पीसी आपका साइड में रहेगा, स्मार्ट मॉनिटर होने की वजह से आप आपके एप्स एक टीवी जैसा यूज कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं रहती है, मतलब एक स्मार्ट मॉनिटर है, अल्टीमेट फीचर लोडेड है। 3.5 लाख के बजट के अंदर ये पीसी काफी वर्थेबल है। तो भाई आपको ये पीसी का फाइनल अल्टीमेट जो है वो दिखाता हूं। ये है भाई ब्यूटी, इसको बोलते हैं यार, जिस कस्टमर को एक ड्रीम पीसी बनाना रहता है ये वाला ही केस लेता है, क्योंकि एसुस की तरफ से आने वाला हाई एंड केस है। 40,000 रुपए तक तो भाई केस का ही लग जाता है, क्या बोलूं यार। 701 हाइपरियन एसुस की तरफ से आने वाला एक बीस्ट केस है। फ्रंट में 3 140mm के बड़े बड़े फैन और बैक भी एक एग्जॉस्ट फैन रहता है। इसके अलावा दोनों साइड से ग्लास आता है। इसका ब्लैक वर्जन के साथ में भी मैंने पीसी बिल्ड किया था, जो मेरा प्रीव्यूज वीडियो भी जाके आप देख लेना मेरा चैनल पे अगर न्यू हो तो। अल्टीमेट पीसी बोल सकते हैं। और ये डिस्प्ले जो है यार, क्या बताऊं आपको, इस डिस्प्ले के अंदर आपको जैसा चाहिए वैसा वीडियो भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। आपका फोटो, किसी का भी फोटो वीडियो में आप डाल सकते हो। इसके अलावा टेम्परेचर वगैरह का तो मैंने बताया था। फाइनली यही बोलूंगा, इस मॉनिटर को भी ये काफी अच्छा मॉनिटर बोल सकते हैं। आपको इस तरफ घुमाना है, इस तरफ घुमा सकते हो, इस तरफ घुमाना घुमा सकते हो, ऊपर करना है, नीचे करना है, जैसा इसको करना है आप कर सकते हो, पिविट करना है तो भी कर सकते हो। 4K रिजोल्यूशन 165 हर्ट्ज अल्टीमेट गेम प्ले, इसके अंदर नहीं होगा तो भाई किसके अंदर होगा। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। AMD की तरफ से आने वाला अल्टीमेट CPU, अल्टीमेट GPU के साथ में अल्टीमेट PC, अल्टीमेट स्टोर के अंदर बनाया है अल्टीमेट आपके लिए। सो भाई देर किस बात की है, जल्द से जल्द SCL गेमिंग पे विजिट करो। ये पीसी को अगर बाई करना है या एक्सपीरियंस करना है तो हमारा स्टोर पे जरूर विजिट करना। बेस्ट टू बेस्ट प्राइस, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी, 100% जीनियन प्रोडक्ट के साथ में।